नमस्कार, आज दिनांक 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार गोसाई गांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानें नौगछिया भागलपुर की कुछ प्रमुख खबरें। भागलपुर के संडीस कंपाउंड में अंग युवा महोत्सव का आयोजन। वक्ताओं ने कहा, झूठा इतिहास पढ़ा युवाओं का चरित्र निर्माण असंभव। नव भारत निर्माण के उद्देश्य से अंग युवा महोत्सव का आयोजन। भागलपुर के संडीस कंपाउंड में शनिवार को नव भारत निर्माण के उद्देश्य से अंग युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रमुख वक्ताओं ने असम से आए विकास कालिटा, पटना के रामा कशु मिश्रा, सिद्धार्थ राय, एनके झा, छत्तीसगढ़ से संतोष देवराज पांडे, रामगढ़ से प्रशांत ओझा, मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल से सुंदर मुखर्जी, धनबाद से विश्वनाथ चक्रवर्ती थे। महोत्सव में नेशनल मोटिवेटर शिशिर कुमार तिवारी व शिक्षा प्रीत प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने व्याख्यान दिया। आयोजकों ने बताया कि अंग युवा महोत्सव में 13 जिलों के युवाओं को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन देश के 52 जिले से 11,000 से अधिक युवाओं की भागीदारी हुई। देश विदेश से दर्जनों वक्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर सिद्धार्थ राय ने कहा कि झूठा इतिहास पढ़ाकर युवाओं का चरित्र निर्माण संभव नहीं। मैं आपको नंबर देके जाऊंगा अपना, और गांव में हम लोग सत्संग करेंगे। मैनेजमेंट आगाज 7 सितंबर 2018 को डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी से हुई और सुदेव जी से। मैंने कहा था इनसे बात करके कि चाणक्य का उदय हो चुका है चंद्रगुप्त को खोजने के लिए। क्या बात। नवगछिया में पॉलिथीन उन्मूलन को लेकर निकाली गई रैली। क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया एवं श्याम कोचिंग सेंटर द्वारा पॉलिथीन उन्मूलन जागरूकता रैली श्याम कोचिंग सेंटर से निकाली गई। यह रैली स्टेशन रोड, हड़ियापट्टी, महाराज जी चौक, मेन रोड होते हुए वापस श्याम कोचिंग सेंटर पहुंची। सभी विद्यार्थियों को भी बतलाया गया कि पर्यावरण एवं अपने भविष्य की रक्षा के लिए आप लोग भी पॉलिथीन का बहिष्कार करें एवं पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने दें। इस रैली में दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध किया गया, आप लोग पॉलिथीन का उपयोग ना करें। मौके पर क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया के सभी सदस्यों ने हाथ में तख्ती लेकर लोगों को जागरूक किया। नवगछिया की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, नगर को ना होने दे मैला, बाजार करते समय हाथ में रखें थैला। बिहार सरकार के इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण समर्थन दें। इन तरह के स्लोगन के साथ दोनों टीमों द्वारा नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया के संयोजक श्रीधर कुमार, मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, राजीव गुप्ता, उप सचिव संतोष गुप्ता, विष्णु साह, राजेश गुप्ता, विक्रम भुडोलिया सहित सभी संस्था के सदस्य एवं श्याम कोचिंग सेंटर के मुकेश सर एवं सभी बच्चे थे। आज से बिहार राज्य में पॉलिथीन पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। बिहार राज्य में 23 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बिहार राज्य में पॉलिथीन कैरी बैग के उपयोग, भंडारण और बिक्री सब पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। कल शुक्रवार को राज्य के विकास आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को कहा था कि सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 15 अक्टूबर को प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर दी थी। हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने गई टीम। नवगछिया राज्य स्तरीय सीनियर बालिका वर्ग हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने शनिवार को नवगछिया पुलिस जिला की बालिका वर्ग की टीम नवगछिया स्टेशन से सिवान के लिए रवाना हुई। जिला हैंडबॉल संघ के सचिव सह शिक्षक रविकांत सिंह ने बताया कि टीम सिवान के मेरवा में 24 से 26 दिसंबर तक प्रतियोगिता होगी। नवगछिया की बालिका टीम में साक्षी प्रिया, प्रियंका, अनुपम गुंजन एक, गुंजन दो, निभा, निधि, जस्सी, सत्या, निकिता, सुजाता एवं वंदना कुमारी शामिल हैं। टीम के कोच प्रवेश कुमार हैं। शनिवार को सचिव रविकांत सिंह, अध्यक्ष नवीन सिंह ने सभी खिलाड़ियों को नवगछिया स्टेशन से सिवान के लिए रवाना किया। ठंड और कुहासे के कारण ट्रक व कार में टक्कर, 3 जख्मी। नवगछिया विक्रमशिला पुल के पहुंच पथ पर कलबलिया धार के पास
कल शनिवार को ट्रक व मारुति कार की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। घायलों में महिला व 2 बच्चे हैं। ज्ञात हो कि कलवलिया धार के पास सड़क टूटने के बाद अस्थायी रूप से मिट्टी दे दी गई है, जिसके कारण वहां कीचड़ का जमाव अधिक है और फिसलन ज्यादा है। ठंड के दिनों में कुहासे के कारण चालकों को भी काफी दिक्कत होती है। इस दौरान टूटे व खराब सड़क पर दुर्घटना होने की आशंका अधिक रहती है। नवगछिया के ढोलबज्जा में 3 दिनों में 5 गरुड़ हुए घायल। बढ़ती ठंड के कारण कदुआ इलाके में 3 दिनों में 5 गरुड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गए हैं। हर साल ठंड में इस तरह के मामले नजर आते हैं। शारदा पाठशाला कहलगांव के जीव विज्ञान के शिक्षक सह गरुड़ एक्सपर्ट जयनंदन मंडल ने बताया कि 2 स्टॉर्क व गरुड़ों को शनिवार को कदुआ से सुंदरवन भागलपुर ले जाया गया। कदुआ में नगीना राय के यहाँ 1 ग्रेटर व 1 लेसर गरुड़ अभी भी घायल अवस्था में इलाजरत है। ज्ञात हो कि नवगछिया का कदुआ क्षेत्र गरुड़ प्रवास के कारण काफी मशहूर है। देश विदेश से लोग गरुड़ों के बारे में जानने इसे देखने के लिए नवगछिया के कदुआ दियारा जाते हैं। नौगछिया में दीरा को हीरा बनाने निकले भागलपुर सांसद बुलो मंडल। मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा, सर पर टोपी हाथ कमंडल, अब की बार बुलो मंडल। कल 22 दिसंबर को क्षेत्र भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राजद सह सांसद भागलपुर शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने सदवा चापर में 3 योजनाओं का उद्घाटन किया। PMGSY सड़क का शिलान्यास सदवा चापर रेलवे ढाला से भागलपुर कटिहार सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तक 73 लाख के लागत का शिलान्यास किया। सदवा चापर में सांसद निधि से 3,77,000 के लागत से बने यात्री शेड का उद्घाटन किया। साथ ही राजमार्ग 31 से चापर दियारा के रास्ते में 2,83,00,000 के लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इसके उपरांत जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि अब की बार नवगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में राजद के कार्यकर्ताओं का एक अलग ही नारा होगा, जो नारा होगा सर पर टोपी हाथ का मंडल, अब की बार बुलो मंडल। इन नारों के साथ युवा पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेंगे और भारी मतों से लोकसभा में सांसद बुलो मंडल को जिताएंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि त्रिपुरी कुमार भारती, धर्मेंद्र यादव, मनोज यादव, विश्वास झा, पवन यादव, विजय यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण और राजद समर्थक उपस्थित थे। नवोदय में NIOS का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का समापन। प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र। वहीं DEO ने कहा, प्रशिक्षण पाना कठिन कार्य है। नवगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा भागलपुर में NIOS द्वारा संचालित 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम PCP समापन समारोह का आयोजन किया गया। NIOS ने कोर्स के लिए नवोदय में भी केंद्र खोला है, जिसके समन्वयक नवोदय प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार को बनाया गया है। समापन कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान एवं अन्य सभी थे। सबों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद संबोधन में DEO ने कहा कि प्रशिक्षण पाना कठिन कार्य है, जिसमें मन को मारकर सीखना पड़ता है। सरकारी शिक्षकों को स्वतंत्रता आजादी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल को आजादी स्वतंत्रता आदि नहीं है। मौके पर केंद्र के सभी शिक्षक एवं प्रशिक्षु उपस्थित थे। पॉलिथीन बंदी पर नवगछिया बाजार के व्यवसायी में काफी चिंता। किस तरह के प्लास्टिक कैरी बैग चलेंगे, किस तरह के होंगे बैन। आज से बिहार के सभी जिलों में पॉलिथीन के उपयोग, भंडारण एवं अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवगछिया बाजार के व्यवसायियों में भी काफी समस्या बनी हुई है, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं है कि किस तरह के पॉलिथीन बंद होंगे और किस तरह के चलंत में रहेंगे। बाजार के 1-2 व्यवसायी ने बतलाया कि उन्हें TV, अखबार एवं अन्य सूचना से जानकारी मिली, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि आखिर पॉलिथीन वाले चीजों में किन चीजों का प्रयोग हो। जिनकी पैकिंग ही पॉलिथीन से की जा रही है या की जा चुकी है, तो क्या उसका पॉलिथीन रहेगा या उसे हटा दिया जाएगा। खासकर होटल संचालक, ब्रेड बेचने वाले, इन सब पर काफी ज्यादा आशंका है। इन्हें बहुत ही
अजीब लग रहा है वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जगह पर पॉलिथीन के जगह पर अब किन चीजों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सरकारी रूप से किसी भी तरह की अलग से जानकारी नहीं मिली है। सिर्फ उन्हें सूचना मिली है कि 23 तारीख से पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।